स्वागत है मित्रों यूएफओ किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सोया की सब्ज़ी, जिसको यहाँ पे डिल बोलते हैं। तो पटेटो और डिल की सब्ज़ी कहलाएगी है। तो आलू सोया जो अपने यहाँ मिलता है उसकी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने तेल डाल लिया, तेल गर्म होने लग गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये हमने थोड़ी सी हींग डाली और हींग डालने के बाद में इसके अंदर ये मेरे पास अजवाइन और जीरा है, थोड़ा सा वो डाल लेते हैं। ये हमने अजवाइन और जीरा डाल लिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, हल्का सा पक जान देते हैं इसको। अच्छा अब ये हल्का सा हो गया है, तो इसके अंदर हम ये हरी मिर्च डाल लेंगे। एक मिर्च को हमने छोटे छोटे, दो मिर्च हैं छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसको उसको थोड़ा सा पक जान देते हैं। अब इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ, हल्दी भी ज़रा सा पक जान देते हैं। अच्छा हम गैस थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें हम आलू डालने जा रहे हैं। अगर गैस नहीं कम करेंगे तो छींटे उड़ने के चांसेस रहते हैं उसके। ये आलू हमने छोटे वाले लिए हैं, कलर वाले आलू हैं, तो इसको हमने छोटे वाले ले लिए हैं और उसमें हमने उसको काट लिया है। ये देखिए इसको मिक्स कर दिया और अच्छा देखिए हमने मिला लिया आलू उसको, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और फिर इसको ढक के पकने के लिए रख देते हैं आलू को। ये देखिए ये आलू हमने छिलके समेत लिए हैं, तो छिलके समेत ही लीजिएगा आलू, और इसको हमने ये ढक दिया। अच्छा जब तक आलू पक रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे सोया ले लिया, एक बंच है पूरा सोया का, इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो ये देखिए हमारा करीबन हमने इसको 10 मिनट तक पका लिया ऐसे ढक के, अभी भी पूरा 100% नहीं गला है ये। वैसे आप अगर जल्दी में हैं, इसको जल्दी गलाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उबला हुआ भी आलू ले सकते हैं, कि उबाल के इसको इसमें डालें तो तुरंत ही हो जाएगा फिर तो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये डिल जो है उसको मिक्स करते हैं इसके अंदर। ये देखिए हमने डिल मिला दिया इसके अंदर, और अब इसको मिक्स करके और फिर ढक के पकाएंगे इसको। अच्छा इसके अंदर हमने ये जो डिल है उसको मिक्स कर लिया आलू के साथ में। अब इसमें हम ये थोड़ी धनिया डाल देते हैं, ये हरी धनिया हमने धो के छोटे छोटे टुकड़े में काट ली थी, उसको भी मिला देते हैं इसी के अंदर। जब धनिया मिलाने के बाद में हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, इसको ऐसे आप हाथ में ले लें, सूखी कसूरी मेथी है ये, और ऐसे इसको मसल के और इसके ऊपर डाल दें, और इसको भी मिला के फिर हम ढक के इसको 5 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो ये देखिए हमारा 5 मिनट और हो गया इसको पकते हुए ढक के, और ये देखिए क्या बेहतरीन बन गया है। और इसको अब हम चला लेते हैं और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए हमने डिश आउट कर लिया है इसको, ये बढ़िया बन के तैयार हुई है मेरी आलू सोया की सब्ज़ी। तो आप भी बनाएं और खिलाएं आलू सोया की सब्ज़ी, खाने वाले कहेंगे क्या सब्ज़ी बनाते हो सर जी। फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में बहुत जल्दी।